अच्छा म्यूजिक है। माठा मतलब छाछ। तो क्या हाल है मेरे नेशनल और इंटरनेशनल फ्रेंड्स, सब ठीक ठाक बढ़िया। दोस्तों आज के एक नए रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो पवन सिंह का नया गाना आज ही YouTube पर रिलीज हुआ है और इस गाने का नाम है हरी हरी ओढ़नी, और कुछ उसी से मिलता जुलता आज मैंने ये शर्ट भी पहना है। तो ये गाना आज ही DRS म्यूजिक YouTube चैनल पर इसी गाने को अपलोड किया गया है, और इस पर जो फीचर एक्ट्रेस है वो डिम्पल सिंह है, और इस गाने को जो गाया है वो खुद पवन सिंह। तो देखते हैं ये गाना कैसा है। हालांकि पवन सिंह का इससे पहले 3-4 छठ का सॉन्ग आया था, उसमें काफ़ी उदास वो लग रहे थे। तो आज के गाने में देखते हैं पवन सिंह क्या उसी जोन में रहते हैं या फिर कुछ अलग जोन में आकर गाना को ये गाए हैं। तो फटाफट से वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं इसमें मेरा क्या रिएक्शन है। आप अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपका रिएक्शन का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं हरी हरी ओढ़नी सॉन्ग कैसा है। हरी हरी ओढ़नी DRS म्यूजिक पर इस गाने को अपलोड किया गया। अच्छा, खुद भी ग्रीन ग्रीन में रंगे हुए हैं। नहीं, हाँ खुश है। अच्छा म्यूजिक है। माठा मतलब छाछ। बढ़िया गाना, पार्टी टीम बज सकता है। दिन रहे कौन न देखलू कलेहेंडर, कैलू बगानी में जवानी सरेंडर। एक दो लाइन डायलॉग गुजर ही देता। गाने के लोकेशन पे और शूट पर खर्च किया गया है जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। आंसु प्रियांशु से देखावे लो तुम आकर, चलता तो हर पवन में से चक्कर, चलता चक्कर हो पिए लो साकर। भेद जन खोना हो चाहे कबो उनका डांस का जो स्टेप है ना वो भी एक ही जैसा। बाद में बताऊंगी। अच्छा, तो ये गाना हरी हरी ओढ़नी यहाँ पर खत्म होता है, और ये गाना मस्त था, एंटरटेनिंग गाना था, और कुछ कुछ फनी लाइंस भी इस गाने में ऐड किए गए थे। शूट लोकेशन बहुत लाजवाब, और
अच्छे से गाने को बनाया गया था और गाना ओवरऑल बहुत इंटरटेनिंग था, फनी भी लाइन्स इसमें ऐड किया गया था। और अगर आप भी ये गाना सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और एक होता है ना, पवन सिंह का एक ब्रांड है और पवन सिंह किसी गाने को गाते हैं तो उनका एक अलग ही फैन फॉलोइंग चलता है। और ये गाना बहुत कम समय में बहुत अच्छा उसको प्ले कॉन मिल चुका है। मुझे लगता है कि ये गाना भी सुपर हिट होगा। और ये गाना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए लास्ट का जो बारी आता है कि इस गाने को 5 स्टार में कितना स्टार दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये गाना 5 स्टार में मेरे हिसाब से और जिस जोन में ये गाने को गाया गया था और बिल्कुल साफ सुथरा अश्लीलता से दूर, इसमें अश्लील वगैरह कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई थी, 5 में 4.5 यानी 4.5 स्टार मेरा तरफ से इस गाने को मिलना चाहिए और मैं देता हूँ। और आप इस गाने को कितना स्टार देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक ज़रूरी बात, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये कहते हैं कि आप भोजपुरी गानों पर रिएक्शन वीडियो क्यों बनाते हैं, आप रिएक्शन वीडियो क्यों बनाते हैं, पीछे गाना चलाकर आप बस आप पीछे ये वो करते रहते हैं, दिस दैट। तो मैं उनको बता दूं कि मुझे भोजपुरी गाना सुनना अच्छा लगता है और इसके आगे मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगा, आपको पसंद आए या ना आए, आप मेरी वीडियो देखें ना देखें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा। तो और बहुत से लोग ये वीडियो यहाँ तक, अगर ये वीडियो आपने देख लिया है तो ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत से लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।